नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। एक तरफ से देखा जाए तो आपका केवीएस पीआरटी फिनिश हो चुका है कहीं ना कहीं, और जिनका भी पेपर अच्छा हुआ है वो इंटरव्यू की तैयारी में जुट जाइए, और साथ ही साथ जिसको दिल्ली में टीचिंग की जॉब करना है वो फिर से एक बार कमर कस लीजिए कि अगर आपको दिल्ली चाहिए वो भी टीचिंग जॉब के लिए, तो डीएसएसबी एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आ रहा है बम्पर वैकेंसी। मतलब एक तरह से बोला जाए कि बम्पर ये केवीएस वाले की तरह नहीं, केवीएस ऑल ओवर इंडिया था इसलिए उसमें ज़्यादा पोस्ट है, 13,000 के अप्रोक्स में पोस्ट सब कुछ मिला के आया था, टीचिंग नॉन टीचिंग सब मिलाकर। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि डीएसएसबी में कितने पोस्ट आएंगे, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं होली के बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आपको आएगा टीचिंग का तो वो डीएसएसबी के आने के चांसेस हैं 99%। ठीक है, अब इसमें कितने पोस्ट आ रहे हैं, किसके कितने पोस्ट आ रहे हैं, इसका एक इंफॉर्मेशन जो है आरटीआई के थ्रू जो वायरल हो रहा है उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या वो सही है या गलत है। तो वो 100% सही है और वो वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, वो भी आपके होली के बाद आपको गिफ्ट मिलेगा। तो यहां पर पोस्ट की अगर बात कर लिया जाए कि कितनी पोस्ट आएगी टोटल डीएसएसबी में, तो अगर हम बात करें प्राइमरी टीचर और भी जो उसके म्यूजिक वाले हैं और जो सब कुछ मिलाकर, तो ओवरऑल 2000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो आरटीआई के थ्रू हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर जो है क्या है, ओवरऑल जब जोड़ोगे आप तो जो टोटल पोस्ट होगा वो 3000 के अप्रोक्स पहुंचेगा, ये 3000 के अप्रोक्स में आपको कहीं ना कहीं पहुंचेगा, 3000 के प्लस में। लेकिन क्या अब इतना आएगा कि नहीं, क्योंकि ये जो वैकेंट प्लेस है ये आपका वैसे तो नोटिस है ये 10/2/2023 का ये दिया गया है, लेकिन एक्चुअली जो ये वैकेंट सीट है वो आपका 22 का हुआ है। यहां पे देखो ये 22 का बताया गया कि इतने सीटें चीजें वैकेंट रह गए, जैसे फिजिकल एजुकेशन टीचर में 431 सीट खाली है, ठीक है, ड्राइंग टीचर में 554 है, लाइब्रेरियन में 327 सीट है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस में 330 है, और डोमेस्टिक साइंस टीचर में जो है वो 208 है, जो आपको होम साइंस जिसको बोला जाता है, ठीक है, उसमें 208 है, और जो आप पीआरटी बोलते हो ना, पीआरटी में आपके 1126 है। तो टीजीटी में कंप्यूटर साइंस की सिर्फ यहां पर दिखाया जा रहा है कि 330 सीटें हैं। उसके बाद असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए 122 सीटें हैं आपकी, और म्यूजिक टीचर के 179 सीटें आपकी खाली हैं। तो अगर देखो तो 1126 आपकी यहां पर प्राइमरी वाली टीचर है, और यहां पर देख लो तो 4549 1000 के यहां हो गया, 2000 ये हो गया, 336 और 39 एक 3000 के अप्रोक्स पहुंच रहा है। तो 3000 प्लस वैकेंसी इस जो आरटीआई का इंफॉर्मेशन आया है उसके थ्रू आपका आना चाहिए डीएसएसबी में। लेकिन सबसे ज्यादा बच्चे फोकस किस पे होते हैं, पीआरटी पे। तो पीआरटी की जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी सिर्फ कितना है, 1126 है, और 122 और इसमें मिला लो अगर नर्सरी वाले में जाते हो तो 6 2 8 2 2 4 1 1 2 1248 जो है ये आपके पोस्ट आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं तैयारी। तो जिनका भी अगर थोड़ा सा भी चूक गया होगा केवीएस पीआरटी तो वो अब अगली वैकेंसी के लिए थोड़ा सा टाइट हो जाए। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या रहेगा, इस पे मैं अलग अलग करके एक एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा ताकि आपको दिखे, थोड़ा सा हल्के में मैं समझा दे रहा हूं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, कैसे कैसे आएगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो अभी आपको वैकेंसी के बारे में पता चल गया। अभी अगर हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो एलिजिबिलिटी जो है आपकी, ठीक है, एलिजिबिलिटी आपकी ऑलमोस्ट वही है, आपका डीएलएड है, डिप्लोमा है ट्वेल्थ के बाद, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो ग्रेजुएशन के साथ, और आपका बीएड है वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 50% मार्क्स अगर ट्वेल्थ में है, बाकी बीएड वाले में तो 50% चाहिए ग्रेजुएशन में, तब आप बीएड करते हो। अगर डिप्लोमा आपने किया है तो ट्वेल्थ में 50% होना चाहिए। तो ये चीजें जो एक जनरल टीचिंग एग्जाम की क्राइटेरिया होती है वो है, ठीक है, वो ही आपकी क्राइटेरिया जो टीचर की क्राइटेरिया होती है। उसके बाद से सिलेबस के बाद एलिजिबिलिटी में आपको जो बीएड आपका हो जाएगा, डीएलएड चल जाएगा, बीटीसी चल जाएगा, जो भी हो आपका वो डिप्लोमा पीआरटी के लिए चल जाएगा, बीटीसी वाला चल जाएगा, तो ये सब चीजें आपकी चल जाएंगी।
उसके बाद से यहां पर एक और चीज क्या चाहिए कि सीटेट का पेपर वन आपका क्वालिफाई चाहिए, ठीक है। अगर आप सीटेट का पेपर वन क्वालिफाई चाहिए, अब इसमें एक बात और आती है, बच्चे पूछते हैं कि सर जी मैं दूसरे स्टेट से हूं, सीटेट मैंने क्वालिफाई किया और दूसरे स्टेट में मैं ओबीसी हूं, तो यह वैकेंसी आपकी कहां की है? दिल्ली की है। तो दिल्ली में आपका क्या होगा कि अदर स्टेट वाले एज ए जनरल ट्रीट होंगे, उन्हें कोई कोटा नहीं मिलेगा। हाँ, जो दिल्ली में रह रहा है उसको मिलेगा सिर्फ। तो इसलिए अदर स्टेट के अगर कोई ओबीसी है तो दिल्ली में क्या हो जाएगा, वो जनरल। तो उसका मार्क्स अगर सीटेट पेपर वन में जनरल मतलब 90 के अबव होगा तभी वो क्वालिफाई माना जाएगा। अदरवाइज अगर उसने, ठीक है वो क्वालिफाई है सीटेट का पेपर पहला, लेकिन उसके मार्क्स कम है क्योंकि वो ओबीसी वालों का और एससी एसटी का कम होता है मार्क्स जनरल की अपेक्षा क्वालिफाई मार्क, तो वो कम है तो आप अपने स्टेट के लिए वैकेंसी में बैठ सकते हो, लेकिन दूसरे स्टेट में तो आप जनरल काउंट हो गए ना, उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क्स जनरल के बराबर होना चाहिए। हाँ, उस स्टेट का बंदा है, दिल्ली का बंदा है, तो उसके लिए वो जो होगा अगर वहां का ओबीसी होगा चाहे एससी एसटी होगा तो कम मार्क्स 90 से कम मार्क्स जो आपका चलता है उस पे आपका क्वालिफाई हो जाएगा, जो सीटेट में क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। तो सीटेट पेपर वन आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब ये आपका एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो गया। अब यहां पर थोड़ा सा बात किया जाए कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा और ये वैकेंसी कब तक, मैंने बता ही दिया कि आपको होली के बाद इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और बहुत ही लेट लपाट होगा तो इसका एग्जाम 2-3 महीने में हो जाएगा, जैसे केवीएस का हुआ है वैसे ही डीएसएसबी के चांसेस हो जाते हैं कि 3 महीना में नोटिफिकेशन के बाद से होने के चांस हो जाते हैं आपके। तो अगर एग्जाम पैटर्न की बात किया तो इसमें पार्ट ए आपका जो होता है, पार्ट ए में आपका क्या होता है कि जनरल चीजें होती है, जैसे हिंदी हो गया 20 नंबर होता है, इंग्लिश हो गया आपका 20 मार्क्स होगा, आपका मैथ्स हो गया 20 मार्क्स का होगा, आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है ये भी 20 मार्क्स का हो गया। तो यहाँ पे और इंग्लिश हिंदी मैथ्स रीजनिंग और जीके जीएस वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका 20 मार्क्स का, तो ये टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, ये ध्यान रखो। पार्ट जो बी होगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा पार्ट बी, ठीक है इसमें आपका पेडोलॉजी आएगा, इसमें आपके पेडोलॉजी के 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है तो टोटल 200 क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा ये आपका, ये ध्यान रखिएगा 200 क्वेश्चन आपके पार्ट ए पार्ट बी मिला के होते हैं। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर आप 40% मार्क्स ले आओगे ओवरऑल 100 का मतलब 40 करोगे 40% मार्क्स तभी आपका पार्ट बी चेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ मिनिमम 40% इसमें भी लाना है और मिनिमम 40% मार्क्स इसमें भी लाना है, उसके बाद से आपकी मेरिट बनती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर 40% आपने नहीं सिक्योर किया तो आप डिस्क्वालीफाई वैसे भी हो जाओगे। हाँ अब आपकी बात आती है कि पेडोलॉजी 100 क्वेश्चन हो गया और यहाँ के 100 क्वेश्चन आ गए दोनों के वेटेज। अब एक चीज और आता है, क्या सर केवीएस की तरह नॉन निगेटिव मार्किंग होता है क्या इसमें भी? ठीक है तो केवीएस की तरह नॉन निगेटिव नहीं होता भैया, यहाँ पर निगेटिव मार्क होता है, ठीक है कितना होता है 1/4 मतलब 0.25 की मार्किंग होती है निगेटिव, ठीक है 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग होता है, बहुत ध्यान से पेपर करना। लेवल की बात करें तो डीएसएसबी का लेवल क्या होगा पेपर का, इसका भी थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूं तो डीएसएसबी का लेवल आपके कहीं ना कहीं केवीएस के पीआरटी का जो लेवल होगा उसका उससे ऊपर होगा, उससे ऊपर आएगा और अच्छा खासा इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन जो आपका पूछता है टीचिंग मेथोडोलॉजी से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। तो लेबल इसका केवीएस पीआरटी से अच्छा होता है, चाहे वो मैथ का हो चाहे आपके रीजनिंग का हो हिंदी का हो इंग्लिश का हो जीके जीएस, सभी के स्तर आपके केवीएस पीआरटी से ऊपर के होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जिनको भी तैयारी करनी है तो ये मत होली मनाइए, जरूर मनाइए लेकिन पढ़ाई का रिदम मत छोड़िए। इसी क्रम में आपके डीएसएसबी के जो आपका बैच होगा इसको परीक्षा प्लस टीम आपको जैसे केवीएस पीआरटी को आपके पूरे लास्ट तक आपके साथ रही, वैसे भी डीएसएसबी में भी आपके जैसे ही वैकेंसी आती है
उसकी भी क्लासेस आपकी रेगुलर मिलती रहेंगी, आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे क्लासेस हमारी चलेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो यहां पे एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया आपको क्या क्या रहेगा, बाकी सिलेबस पे हम लोग किसी दिन विधिवत डिस्कस कर लेंगे कि टीचिंग मेथोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, इन सब चीजों में क्या पढ़ना है। ये सब तो चीजें जनरल वही सब चीजें हैं जो हम लोग SSC के लिए पढ़ते हैं, जो SSC के लिए पढ़ते हैं ना वही चीजें हैं, यहां पर ध्यान रखना है। इंग्लिश हिंदी में थोड़ा कंप्रिहेंशन आ जाता है, बाकी आपका मैथ रीजनिंग और GK GS का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट SSC के सिमिलरिटी बेसिस पे है, ठीक है। बाकी पेडोलॉजी वाला जो पोर्शन होगा उसका मैं सिलेबस आपको डिस्कस कर दूंगा। अब रही बात यहां पर एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या है, ठीक है। तो एज लिमिट देखो, जो बाहर के होंगे दिल्ली के बाहर के, उनके लिए कोई भी आपका क्या होगा, क्योंकि वो जनरल एज ए जनरल ट्रीट होंगे, और जनरल जब ट्रीट होंगे तो उनके लिए कोई कोटा लगेगा नहीं, ठीक है। वो क्योंकि केंद्र का तो है नहीं, यहां पर स्टेट वाइज है, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें होंगी। तो यहां पर एज लिमिट जो होगा वो ऑलमोस्ट आपका बोला जाता है कि 30 साल है, ठीक है। 31 साल अपर एज लिमिट है, मैं जनरल का बता रहा हूं, बाकी नोटिफिकेशन जब आएगा तो उसमें हम लोग देख लिया जाएगा कि क्या 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 चीजें हैं, ठीक है। चलो हाँ, अब बात आती है कि एक लास्ट में कि क्या इसमें इंटरव्यू भी होता है, क्या KVS PRT की तरह इसमें भी नया पैटर्न आएगा। देखो इंटरव्यू की जहां तक बात किया जाए, KVS में जो इंटरव्यू होता है, क्या DSSB में होता है, DSSB PRT के में उसमें इंटरव्यू का अभी रोल नहीं है, अभी इसमें कुछ भी नहीं शामिल किया गया है अभी जहां तक जो इंफॉर्मेशन मिली है। और रही बात, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और इनके बाद इंटरव्यू का हो गया पैटर्न में कोई चेंजेस होगा, अब इसके बारे में अभी कुछ 100% नहीं कहा जा सकता है जब तक आपका क्या ना आ जाए। पैटर्न में क्या हो सकता है कि बहुत कुछ चेंज होगा, तो थोड़ा सा आपके पेडागॉजी जो आपका पोर्शन है ना, पेडागॉजी के सिलेबस में चेंज होगा, पैटर्न वही रहेगा आपका। जो 100 क्वेश्चन ये आपका आएगा पेडागॉजी का, इसमें हो सकता है कि आपके नया एजुकेशन NEP 2020 जोड़ा जाए, चाहे कुछ और चीजें सिलेबस में इंक्लूड किया जाए, ये हो सकता है पेडागॉजी का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है उसमें कुछ चीजें आपको जोड़ी जाएं, ठीक है, जैसे KVS में जोड़ी गई थी। बस ये चेंजेस हो सकता है सिलेबस में, थोड़ा सा पेडागॉजी के चेंज हो सकता है, वो भी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कुछ नहीं कहा जाता है। तो आप लोग एकदम अपनी तैयारी को बरकरार रखिए, किसी प्रकार की DSSB से लेकर कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इस वीडियो में जरूर कमेंट करिए। जो भी समस्याएं होंगी टीम आपको कोशिश करेगी कि आपकी समस्याओं का समाधान किया जाए, और अपना जो है रिदम पढ़ने का जो है वो छोड़िए मत। और जैसे ही होली के बाद आप लोगों के साथ फिर से हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे, आप लोग अपना जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जैसे हमने फ्री में कंटेंट आपको KVS का दिया था, वैसे ही कुछ कंटेंट आपको हम जो भी हो सकता है हमारे एंड से वो चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी, जितना भी हेल्प किया जा सकता है आपको किया जाएगा DSSB में भी। तो जो भी परेशानी होगी आप जरूर एक बार कमेंट के माध्यम से बताइएगा। पोस्ट मैंने बता दिया कि भैया 2000+ तो मान के चलो कि आपकी पोस्ट आएगी, एलिजिबिलिटी भी हो गया, सिलेबस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या आएगी। ये भी चांसेस हैं कि उसी के साथ आपकी एक वैकेंसी और आएगी, वो ध्यान रख लो कि LDC की, जैसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट आई थी ना KVS में, वैसे ही लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी भी आने के चांसेस हैं, जो 400 से 500 पोस्ट बोले जा रहे हैं इसमें, 400 से 500 पोस्ट। इसमें एक फायदा यह है कि कंप्यूटर नहीं पूछा जाता, तो जो लोग कंप्यूटर से डरते हैं वो आपका एकदम SSC का सिलेबस पूछा जाता है, इंग्लिश हिंदी मैथ रीजनिंग यही सब आपसे GK GS पूछा जाता है, तो कंप्यूटर यहाँ नहीं है। तो जो अभी तक कंप्यूटर से डरते थे वो भर सकते हैं, बाकी टाइपिंग रहेगा, टाइपिंग या इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक दे सकते हो, टाइपिंग आपकी रहेगी। तो ये वैकेंसी आने वाली है, जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो समस्या होगी जरूर बताइएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।